आज हम बात करेंगे स्ट्रेन गेजेस यानी कि पेयर बेस्ड न्यूमेरिकल्स के बारे में। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एग्जांपल 3.13 में दे सकते हैं यहाँ पर कि जो गेज फैक्टर होता है रेजिस्टेंस वायर का स्ट्रेन गेज का यूजिंग अ सॉफ्ट आयरन वायर ऑफ स्मॉल डायमीटर के लिए 4.2 और निगलेक्टिंग द पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट कैलकुलेट द पॉइजन रेशियो। हमें पॉइजन रेशियो निकालना है, पॉइजन रेशियो निकालना है लेकिन हमें दिया क्या है वायर स्मॉल डायमीटर वाइट इज 4.2। तो गेज फैक्टर ऑफ स्ट्रेन गेज यूजिंग अ सॉफ्ट आयरन ऑफ स्मॉल डायमीटर इज 4.2। तो गेज फैक्टर की जो वैल्यू दे दी है वो 4.2 दी हुई है और हमें निकालना क्या है पॉइजन रेशियो निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन यूज़ करेंगे जो कि हम लोगों ने स्टडी आउट किया था कि जो आपका गेज फैक्टर है यहाँ पर जब हम लोग पीजो रेजिस्टेंस इफेक्ट को निगलेक्ट करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी जी एफ इक्वल टू 1+2 म्यू। हमें म्यू निकालना है तो जी एफ ऑलरेडी पता है 4.2 तो 4.2 पुट कर दिया इक्वल टू 1+2 म्यू। 1 को जब मैंने कर दिया तो 3.2 आपका हो जाएगा अपॉन 2 तो कैंसिल आउट किया तो आपका हो गया 1.6 इज द आंसर। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिंपल स्ट्रेन गेज है ऑफ रेजिस्टेंस 120 ओम है एंड हैविंग अ गेज फैक्टर ऑफ 2 और इज बाउंडेड ऑन द स्टील हैविंग इलास्टिक लिमिट डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर स्क्वायर एंड द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 200 GNm पर मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट करना हमें क्या रेजिस्टेंस इन द चेंज इन रेजिस्टेंस। पहली कंडीशन कह रहा है कि ड्यू टू द चेंज इन रेजिस्टेंस इक्वल टू 1/10 ऑफ द इलास्टिक रेंज। सेकंड ड्यू टू द चेंज ऑफ टेंपरेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस इफ द मटेरियल इज एडवांस अलॉय एंड द रेजिस्टेंस टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ एडवांस अलॉय इज 20 × 10⁶ °C। तो कैसे सॉल्व करेंगे सबसे पहले हमें क्या पे देखेंगे अगर जो गिवन दैट है उसको हम लिखेंगे। तो रेजिस्टेंस हमें दिया है आप इस पर स्ट्रेन गेज ऑफ रेजिस्टेंस दिया 120 ओम तो आज के लिए 120 ओम होगी और गेज फैक्टर से दिया है वो वैल्यू दी है 2 और इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस जो दिया है वो हमारा 400 mm² दिया है। मोटर ऑफ इलास्टिसिटी भी हमें दे दिया है कितना 200 GNm². आगे बात कर रहा है कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू दी है अल्फा जो दी है 20 × 10⁶ °C। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे चेंज इन रेजिस्टेंस। चेंज इन रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे 1/10 क्योंकि हमें जो चेंज रेंज का तो 1/10 इंटू इलास्टिक रेंज हमारे इलास्टिक लिमिट डिस्टेंस कितनी वैल्यू 400 तो कैंसिल आउट करिए तो हमें 40 × 10⁶ एंड फाइनली डेल्टा आर की वैल्यू जाएगी RT2 − RT1 जो कि 48 mm². नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन इसमें क्या बात करें कि स्ट्रेन गेज इज बाउंडेड अ बीम विच इज 12 cm लॉन्ग एंड इट इज करस्पॉन्ड क्रॉस सेक्शन एरिया 3.8 cm² दिया
और जो अनस्ट्रेन रेजिस्टेंस और गेज फैक्टर स्ट्रेन गेज का वो 220 ओम एंड 2.2 रिस्पेक्टिवली दिया है। और द एप्लीकेशन ऑफ द लोड एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द गेज चेंजेस कितना बाय 0.015 ओम। इफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर स्टील इज 207 जीएन पर मीटर स्क्वायर। हमें कैलकुलेट करना है पहला चेंज इन लेंथ ऑफ द स्टील बीम, सेकेंड द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड टू द बीम। तो जो जो पहले गिवन था तो वो हम लिख लेंगे, एल की वैल्यू दी है 10 सेंटीमीटर 0.12 मीटर, ए की वैल्यू दी है 3.8 सेंटीमीटर स्क्वायर 3.8 इंटू 4 मीटर स्क्वायर, आर की वैल्यू दी है 230 ओम एंड जी एफ दी है आपके 2.2 और डेल्टा आर की वैल्यू मैंने दी है 0.015 ओम एंड ई की वैल्यू दी है 207 जी एन पर मीटर स्क्वायर। तो आपसे पहले कह रहा है कि आप ये निकाल दिखाओ कि चेंज इन लेंथ ऑफ द स्टील बीम। भाई चेंज इन लेंथ निकालने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ फॉर्मूला गेज फैक्टर का। तो गेज फैक्टर फॉर्मूला होता है डेल्टा आर अपॉन आर अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल आपसे पूछ रहा है तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया उसको नीचे और आ जाएगा आपका वैल्यू। और इसमें सब वैल्यू पता है, डेल्टा आर निकालना है, डेल्टा एल निकालना है, डेल्टा आर पता है आपको, आर पता है, एल पता है, जी एफ पता है। तो इससे सॉल्व किया तो हमें मिल गया चेंज इन लेंथ कितना 3.72 × 10⁻⁶ मीटर। सेकेंड बात कर रहा है कि जब अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड टू द बीम, अमाउंट ऑफ फोर्स टू द अप्लाइड द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड टू द बीम तो क्या हो जाएगा, दैट इज योर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल टू कैपिटल ई, स्ट्रेस इज सिग्मा अपॉन स्ट्रेन ई। तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई और ई इंटू स्मॉल ई क्या हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल। पुट द वैल्यूज एंड जब पुट द वैल्यू करेंगे तो सिग्मा मिल जाएगी। फोर्स हमारा क्या होता है स्ट्रेस इंटू करस्पॉन्डिंग रिस्पेक्टिव एरिया, मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा मिल गया 22.438 ओम 2.4 38 किलो न्यूटन इज द राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।